स्टूडेंट्स, क्या हाल है? कैसे हो? आई होप तुम सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत ही अच्छे। चलो आज हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोजेंस करेंगे फ्रॉम हेलोजन एसिड से। फ्रॉम हेलोजन एसिड से मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम एल्कोहल्स। ठीक है, तो ये लुकस रिएजेंट से करेंगे, ग्रुप्स प्रोसेस से करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का, इन तीनों का देखेंगे विद मैकेनिज्म। ओके, यदि तुम्हें समझ में आ जाए अच्छे से विद मैकेनिज्म तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो चलते हम लोग फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। देखो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अल्काइल हैलाइड्स का, तो लिख लो मेथड ऑफ प्रिपरेशन एमओपी ऑफ किसका, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब किससे बनाएंगे? एल्कोहल से बनाएंगे। एल्कोहल से क्या लेंगे? हेलोजन एसिड लेंगे, एचएक्स। ठीक है, और क्या बनाना है? अल्काइल RX बनाना है। ठीक है, अब यहां पे केस क्या आता है उसको देखो कि HX कैसे एक्ट करेगा। देखो यदि ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल है, क्या ये 1 डिग्री एल्कोहल है, तो HX SN2 के थ्रू जाएगा। क्या बनेगा? यदि R 1 डिग्री एल्कोहल है तो फॉर एग्जांपल अभी देखो CH3, या फिर मैं सिंपली ले लेता हूं आर ओ एच, और क्या हमारे पास एच एक्स। ठीक है, ये क्या करेगा इसमें, और आर ओ एच एच प्लस एक्स नेगेटिव अटैक करेगा, ये टूट जाएगा और ये बन जाएगा आर एक्स प्लस वाटर। क्लियर? क्या बनेगा? एच एक्स यदि 1 डिग्री एल्कोहल है तो किसके थ्रू जाएगा? ये SN2 के थ्रू। डन। बट यदि ROH 2 डिग्री है, अब ये देख लो ये कितनी डिग्री है, 2 डिग्री है, तब जब HX लेंगे तो क्या होगा? ये SN1 के थ्रू जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यदि आपके पास ये कंपाउंड है और ये भी कंपाउंड किसके थ्रू जाएगा बताओ? SN1 के थ्रू जाएगा। इसका क्या बनेगा प्रोडक्ट? ये बनेगा सी 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 और हेलोजन। इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट? OH, ये H आएगा यहां पे, समझ में आ रही है? ये H यहां पे आएगा, कार्बोकेटायन्स फॉर्म होगा, बाहर निकलेगा, यहां पे हाइड्रोजन है, हाइड्राइड शिफ्ट होगा और हेलोजन यहां पे आ जाएगा। क्या मैंने कहा? मैंने ये कहा, मैं यहां पे छोटा सा मैकेनिज्म दिखाता हूं, ये सी 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 और यहां पे ओ एच और एच आया, ये रिमूव होगा, केटायन्स फॉर्म होगा, यहां पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा और कंपाउंड ये यहां पे हेलोजन लग जाएगा। ये जो भी एक्स लेंगे यहां पे एक्स अप्लाई हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो मैं ये बोल रहा हूं कि ROH किस पे डिपेंड करता है, कि ROH है क्या। यूजली जब हम HX लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ समथिंग मींस डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो वो SN1 के थ्रू जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब बात ये कर रहे हैं हम लोग कि ROH यदि HCl एंड मिक्सचर ऑफ, अब देखो यदि मैं क्या करता हूं HCl एंड जिंक क्लोराइड ले लेता हूं 1:1 में, एंड जिंक कॉन्क HCl, ये हमने क्या लिया? कॉन्क HCl लिया, ये क्या लिया? एनहाइड्रस लिया 1:1 मिक्सचर में, तो ये क्या हो गया? ल्यूकस रिएजेंट हो गया। क्या हो गया? ये ल्यूकस रिएजेंट, और ल्यूकस रिएजेंट एल्कोहल के साथ
एक्शन वन के थ्रू जाता है। डन। तो हम बात करते हैं कि सर एक बार और समझो, यदि एच एक्स लिया है तो एच एक्स एस एन वन में भी जा सकता है, एस एन टू में भी जा सकता है। वन डिग्री है तो एस एन टू के थ्रू, टू डिग्री और थ्री डिग्री एस एन वन के थ्रू। अब ये आता है कि लुकस रेजेंट का क्या होगा, लुकस रेजेंट एस एन वन के थ्रू जाता है। ठीक है, अब जब बात कर रहे हैं एस एन वन के थ्रू, तब चलते हैं इस लॉजिक को समझते हैं। अब ये देखो, ठीक है, हम बात करते हैं पहले क्या, मिक्सचर ऑफ कॉन्कैल्शियम एंड एड्रेसिन क्लोराइड इन 1:1 मिक्सचर। तो अब देखते हैं इसको कि उसमें कैसे बिहेव करेगा। ये देखो, अब हम लोग HCl का और कॉन्कैल्शियम का एक दिखा रहा हूं। तो देखो अब क्या है कि अब मैं ले रहा हूं ROH, ROH प्लस HCl एनहाइड्रस, और या फिर लिख लो इस तरह से ROH HCl जिंक क्लोराइड इन मिक्सचर में ले लिया और ये बन गया अल्काइल क्लोराइड। ये किसके थ्रू जाएगा, SN1। इसका मतलब अपने पास ROH कैसा ग्रुप होना चाहिए, Li, करेक्ट है, या फिर 3 डिग्री या फिर 2 डिग्री। मैं इसके बात कर रहा हूं, ये ग्रुप फास्टेस्ट किसमें होगा, Li 3 डिग्री 2 डिग्री। डन। और जो HCl लेंगे, ये HCl ये कैसा होगा, सोचो जरा ये HCl कैसा होगा, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए या फिर एक बेटर लिविंग ग्रुप होना चाहिए, है ना, SN1 में एक बेटर लिविंग ग्रुप होना चाहिए, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए। तो अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होता है, आयोडीन फिर ब्रोमीन फिर क्लोरीन, करेक्ट है, समझ आ रही है। तो अब लुकस रेजेंट के थ्रू ROH कैसा होगा, Li 3 डिग्री 2 डिग्री। यदि मैं ये लेता हूं तो आयोडीन ब्रोमीन या फिर क्लोरीन। डन, ठीक है। अब यहां पे एक आता है, सिंपली मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूं कि ROH को मैं HCl से करना चाहता हूं रिएक्शन, क्या पॉसिबल है, सर नहीं पॉसिबल, बिल्कुल नहीं। ROH को HBr से, नहीं जी नहीं पॉसिबल। क्यों, क्योंकि OH एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू Cl, OH एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू Br। जब HCl HBr लेते हैं तो आपको एक कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, एक ऐसा एजेंट लेना पड़ेगा जो HOH को एक अच्छा लिविंग ग्रुप बना दे। क्या बोल रहा हूं, OH को एक ऐसा एजेंट लेना पड़ेगा जो OH को लिविंग ग्रुप बना दे, समझ में आ रही है। तो इसके लिए हम लेते हैं क्या, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कॉन्क HCl या फिर एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। जब ये लेंगे तभी क्या करेगा, OH को एक अच्छा लिविंग ग्रुप बना देगा, फिर रिएक्शन हो जाएगा। बट आयोडीन में जी बिल्कुल नहीं, आर OH है और HI लिया है, ये हो जाएगा अल्काइल आयोडीन, ठीक है। इसके लिए एक, इसमें भी एक लिमिटेशंस है, वो हम चलेंगे लिमिटेशंस देखेंगे क्या लिमिटेशंस है। डायरेक्टली एल्कोहल से आयोडाइड भी आसान नहीं है बनाना, फिर भी हम इसका भी पढ़ेंगे कि कैसे बन सकता है, ठीक है। तो वन बना, पहले क्लोरीन का पढ़ते फिर ब्रोमीन का फिर आयोडीन का, बट ये एग्जैक्टली तो ये बात समझ में आ गया कि एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि HCl के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो OH को हटा सके। डन। तो हम क्या यूज करते हैं, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स है और एक लुईस एसिड भी है, क्योंकि जिंक के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो हम मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं इस चीज को, पहले फिर हम देखेंगे लुकस रेजेंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, चलो ठीक है। तो अब हम लोग इस चीज को देखते हैं कि कैसे क्या मैकेनिज्म अप्लाई होगा। एक बात समझ में आ गया कि सर लुकस रेजेंट लेंगे तो वो SN1 के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड करेगा, ठीक है। तो अब ये, अब इसमें एक
पॉइंट समझो। अब देखो क्या है कि अब लेते हैं क्या आर ओ एच, ठीक है। अब आर ओ एच को क्या किया आपने, जिंक क्लोराइड किया। देखो जिंक क्लोराइड का काम क्या है, अच्छे समझो। जिंक के पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, यदि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है और एग्जैक्टली ये इसको देगा इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर है। तो अब ये कंपाउंड क्या होगा, आर ओ एच कैटायंस जिंक क्लोराइड एनायंस, क्योंकि ऑक्सीजन ने दिया इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब ये कम भी स्टेबल नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन के पास थ्री बॉन्ड्स है तो स्टेबल नहीं है। अब आपके पास क्या है, HCl है, ये तो बन गया। अब याद करो HCl में जो Cl ग्रुप है किसमें, HCl, क्योंकि इसके साथ आपने HCl भी लेना है। तो HCl का जो Cl है वो क्या होगा, H प्लस प्लस Cl माइनस में, तो Cl क्या करेगा इस पर अटैक कर देगा। ये ऐसे नहीं करेगा इसको, ये SN1 के थ्रू होगा ना, तो ये देखो। तो अब ये क्या होगा, जो R ग्रुप है ये टूटेगा और टूटने के बाद ये बनेगा R कैटायन प्लस ZnOHCl, ठीक है, करेक्ट है। अब तुम्हारे पास क्या है, HCl है, जो टूटता है H प्लस और Cl नेगेटिव में। अब Cl नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्काइल क्लोराइड में। अब ये H का क्या होगा, H तुम्हारे OH है तो H क्या करेगा, OH से रिएक्शन कर जाएगा, क्या बोल रहा हूं, H प्लस क्या करेगा, OH से रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा, वाटर और एस इज वेल जिंक क्लोराइड। तो जिंक क्लोराइड क्या है तुम्हारा, कैटलिस्ट एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट था। इसका काम क्या था, इसने क्या किया, जिंक क्लोराइड ने वाटर को बाहर निकाल दिया, देखिए। तो एग्जैक्टली मैकेनिज्म ये है। अब ये है आर ग्रुप आर प्लस, अब उस आर प्लस पे बात कर लेते हैं हम लोग कि आर प्लस क्या करता है और कैसे करेगा। पर देखो मैं क्वेश्चन से समझते हैं कि आर प्लस कैसे आ सकते हैं। अभी देखो आर प्लस मतलब एसओ वन है, तो आर प्लस क्या होगा, कार्बोकैटायंस होगा। अभी देखो, अब यदि अपने पास कोई एक क्वेश्चन है कि ये फिनाइल है सी सी एस टी और एच है और ये देखो ओ एच है, ठीक है, ये काइरल कंपाउंड्स है। अब हमने क्या किया, ये सब लिया जिंक क्लोराइड HCl, यानी कॉन्क HCl प्लस जिंक क्लोराइड लिया। अब देखो क्या होगा, OH हटेगा, कैटायंस बनेगा। तो अब ये जो कंपाउंड है CCH3H कैटायंस बन गया। अब कैटायंस बनेगा तो क्या होगा, सोचो जरा, रिएक्शन मिक्सचर फॉर्म करेगा। यदि कंपाउंड काइरल है तो कंपाउंड काइरल है तो रिएक्शन मिक्सचर बनेगा, यानी रिटेंशन और इन्वर्जन, डी और एल कॉन्फिगरेशन। इसका डी कॉन्फिगरेशन मींस एक बार क्लोरीन इसी में लग जाएगा जिसे रिटेंशन कहते हैं। तो क्या होगा, ये कंपाउंड बेंजीन पे सी सी एच थ्री एच और सी एल बन गया। अब इसका अपोजिट जाओ जो इन्वर्जन बनेगा, तो इन्वर्जन में क्या होगा मैं यहां बताता हूं, देखो। अब मैं यहां पे इन्वर्जन बना लेता हूं, इन्वर्जन में क्या होगा, ये Cl C CH3 H और ये बेंजीन, देखो बन गया इन्वर्जन। एक चीज तुम पढ़े हो, किसी का रिटेंशन बनता है, इन्वर्जन बनता है, तो उसके जो होते हैं वो रिएक्शनिक मिक्सचर होते हैं, और रिएक्शनिक मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकली इलेक्ट्रिक होता है। ये कंपाउंड किस तरह बिहेव करेगा, ऑप्टिकली इलेक्ट्रिक, क्योंकि ये 50% रिटेंशन देता है और 50% इन्वर्जन देता है। ये कंपाउंड क्या हो गया, रिएक्शनिक मिक्सचर, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, इनएक्टिव। तो ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा क्योंकि ये कंपाउंड रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों प्रोड्यूस करता है, ठीक है, डी और एल कॉन्फिगरेशन दोनों प्रोड्यूस करता है। तो एक तो ये रहा, ठीक है। उसी तरह एक और क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं इस चीज को, देखो अब इसको नोट करना है, नोट कर लो, ठीक है। अब देखो अगला जो पॉइंट ये है कि अब देखो एक और क्वेश्चन सॉल्व करो, ये है, देखो अब ये क्या है कि एक कंपाउंड है जो तुम्हारा सी एस थ्री है और यहां पे ओ एच। अब सोचो तो क्या बनेगा, तो दो मिनट कि कैसा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, अनुमान लगाओ क्या बनेगा प्रोडक्ट इसका, इसका क्या बनेगा प्रोडक्ट,
तो इसका एक बना लेंगे क्या, देखो कैटायंस यहां पे आएगा हाइड्राइड शिफ्ट करेगा क्योंकि SN1 है तो कैटायंस यहां पे आएगा हाइड्राइड शिफ्ट करेगा ठीक है, यानी क्या होगा CH3OHHCl है ना, तो H यहां पे आ जाएगा ये रिमूव होगा कैटायंस आएगा, तो अब यहां पे ये दोबारा हाइड्रोजन यहां पे है ना, तो अब यहां से कैटायंस बन गया ये H है CH3 है, ये हाइड्रोजन यहां पे शिफ्ट हो गया हाइड्राइड शिफ्ट और कंपाउंड क्या बन जाएगा यहां पे, ये यहां पे आपका H और H और यहां पे CH3 और Cl लग गया ठीक है, समझ आ रही ना, क्योंकि SN1 है तो कैटायंस बनेगा और ये क्लोरीन फॉर्म हो जाएगा ठीक है, तो ये तो रहा लुकस का। अब लुकस में इससे एक चीज निकाल सकते हो तुम क्या, कि 3 डिग्री तो फास्टेस्ट हुआ ना, अब देखो यदि 3 डिग्री फास्टेस्ट है तो रेस्ट कंपाउंड क्या होगा, तो रेस्ट में जो डिस्टिलेट हम करने जाएंगे तो उसमें क्या फॉर्म होगा, अब देखो उस कंपाउंड का लॉजिक क्या है, जैसे मैं लिखता हूं यहां पे अब देखो इस कंपाउंड का इसका लॉजिक क्या लिखते हैं, तो अब जो एक पॉइंट ये आता है कि ये 3 डिग्री है CH3OH और अपने को क्या लिया HCl और जिंक क्लोराइड लिया, तो क्लोरीन तो बहुत जल्दी फॉर्म हो जाएगा है ना, तो टर्बिडिटी जो होता है टर्बिडिटी वो एपियर्स हो जाएगा, एपियर्स क्या हो गया इमीडिएटली एपियर्स हो जाएगा क्लियर, और यदि 3 डिग्री है 2 डिग्री है, अब देखो 2 डिग्री है और यदि सेम लिया HCl जिंक क्लोराइड तो क्या होगा, ये टर्बिडिटी जो है एपियर्स होगा 5 to 10 मिनट्स के अंदर ठीक है, और यदि मैं इसी में ले लेता हूं CH3HH और OH और सेम रिएजेंट लेता हूं लुकस रिएजेंट, तो ये जो है यहां पे टर्बिडिटी 30 to 60 मिनट्स के अंदर फॉर्म होगा टर्बिडिटी, इवन तो हीट करने से होगा आसानी से होता भी नहीं है इसलिए फॉर्म भी नहीं होता है, तो बहुत हीट करोगे तब तक ये फॉर्मेशन होगी ठीक है। अब आता है कि सर एक चीज बताओ लुकस रिएजेंट के अलावा एक और प्रोसेस से बनता है वो क्या है ग्रुप्स प्रोसेस की, ग्रुप्स प्रोसेस कहता है कि आपने भी प्राइमरी अल्कोहल लिया है तो HCl इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड लो मिक्सचर नहीं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड तो बन जाएगा अल्काइल क्लोराइड। अब देखो हम चलते हैं ग्रुप्स प्रोसेस के थ्रू ठीक है, देखो अब ये जो है अब यहां पे एक ग्रुप्स प्रोसेस के थ्रू हम लोग इसको दिखाते हैं कि ग्रुप्स प्रोसेस में कैसे फॉर्म होगा, देखो अब जो ग्रुप्स प्रोसेस के थ्रू है वो कैसे बनता, चलो अब देखो ग्रुप्स प्रोसेस में क्या है कि यदि आपके पास ROH है और ये कितना डिग्री है, ये कितना डिग्री है 1 डिग्री अल्कोहल, तो HCl लेंगे यानी कॉन्क HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ठीक है, तो ये बन जाएगा RCl और ये SN2 के थ्रू, और यदि 2 डिग्री है ROH और ये 2 डिग्री है तो कॉन्क HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ले लिया तो बन जाएगा RCl, बट 3 डिग्री लेते हैं स्ट्रेंथ क्या ले रहा हूं ROH और ये R कौन सा है 3 डिग्री है, तो अपने को एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की जरूरत नहीं होगी क्योंकि काफी ज्यादा रिएक्टिव है, ये काफी ज्यादा रिएक्टिव है और ये जो बना है ये SN1 के थ्रू बना है, सोचो SN1 में 3 डिग्री होगा तो कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा और कार्बोकेटायन क्या होता है हाईली स्टेबल फॉर्म होगा, तो सिंपली
कौन कैल्शियम लेंगे और हीट कर देंगे तो ये कंपाउंड आरसीएल बन जाएगा 3 डिग्री। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग ग्रुप्स प्रोसेस कहते हैं। ये जो है ग्रुप्स प्रोसेस कहते हैं। तो ये ग्रुप्स प्रोसेस के थ्रू हम लोग बनाते हैं इसको, ठीक है। किसका देखा, क्लोरीन का। अब चलते हैं कि कहां पे ब्रोमीन का कैसे फॉर्म होगा, क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन में क्या देखा कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ता है। तो यदि अपने को ब्रोमीन फॉर्म होगा, मैं यही पे लिख देता हूं ऊपर में, यदि ब्रोमीन का फॉर्मेशन करना होगा तो कैसे करेंगे। अब देखो अल्काइल ब्रोमाइड है तो यदि HBr लेते हैं तो अब यहां पे जो सॉरी ROH है, ROH तो HBr लेंगे तो एक्चुअली यहां पे क्या करना होगा, ROH को थोड़ा रिफ्लेक्स करना होगा। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, इवोपरेट करो उसको, इवोपरेट करो, ठीक है, इवोपरेशन करो। तो उससे क्या होगा, थोड़ा रिएक्टिविटी इसकी आती है अल्कोहल के अंदर, ठीक है। तो अब HBr भी एक लिमिटेशन है, 48% HBr ले लो अल्कोहल को रिफ्लेक्स करो, रिफ्लेक्स विद रिस्पेक्ट टू द इवोपरेशन, राइट। इवोपरेशन करने से थोड़ा रिएक्टिविटी आती है अल्कोहल की। तो उसको जब HBr लेंगे कितना, 45% से 48%, तो जाके इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोम H2SO4, ठीक है। तो अब क्या होगा, हीट कर देंगे तो अल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा, डन ना, ठीक है। अब यहां पे एक और चीज है, वो क्या कि सर सेम ROH यदि अपने को KBr लेते हैं, क्या लेते हैं KBr, तो ये लेकिन अब यहां पे कंडीशन देखो क्या है, KBr लिया तो 3 डिग्री अल्कोहल नहीं लेना है क्योंकि वो डिहाइड्रेशन में चला जाएगा, ठीक है। तो यदि KBr लेते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल लेना, ठीक है, यदि KBr लेते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल लेना, और क्या लेंगे H2SO4 और ये अल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा प्लस KHSO4, ठीक है सर, नाली बात प्लस वाटर बन जाएगा। तो इस तरह से जो है कंपाउंड बनता है अल्काइल ब्रोमाइड का, ठीक है। अब आता है कि सर यदि आयोडाइड लेंगे तो क्या होगा, ब्रोमीन को देख लिया, अब नेक्स्ट आता है आयोडाइड, आयोडाइड क्या होगा। तो चलो आयोडाइड में देखो क्या होता है, आयोडाइड में क्या है कि देखो, अब आयोडाइड में एक चीज है, वो क्या है कि अल्काइल आयोडाइड लेते हैं आर ओ एच, तो सिंपली आप एच आई ले लो, बट मोर देन 55% या 60% मोर देन 50% बोल दो, मोर देन 55% आप एच आई ले लो, मतलब एच आई हमने एक्सेस लिया है और आर एच क्या किया, रिफ्लेक्स किया, रिफ्लेक्स मतलब वही चीज, रिफ्लेक्स इवेपोरेशन कर दो, रिएक्टिविटी बढ़ जाती है इसकी, तो ये अल्काइल आयोडाइड बन जाता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम अल्कोहल से अल्काइल आयोडाइड बनाते क्यों नहीं करेंगे, ऐसा इसलिए नहीं बनाते हैं स्टूडेंट क्योंकि एच आई एक्सेस में लिए हो, यानी एच आई फिर से इससे रिएक्शन करेगा और वो क्या बनेगा, अल्केन प्लस आई टू बना देगा, लो क्योंकि एक्सेस लिया है तो यह अल्केन बन गया, यहां पर स्टॉप नहीं होगा रिएक्शन, इसलिए हम एच आई से डायरेक्ट नहीं बनाते हैं। डन, डिस्पाइट दी आयोडीन एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है फिर भी नहीं बनाते, ठीक है, क्योंकि हमको एक्सेस लेना पड़ता है तब जाके रिएक्शन होता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो अब क्या कर सकते हैं सर इसके लिए, अब देखो इसके लिए यदि मैं ऐसा करता हूं कि ROH को KI से लेता हूं H2SO4, ये भी एक प्रॉब्लम है NCERT का 10.2 क्वेश्चन नंबर 8 टेक्स्ट में, तो भी प्रॉब्लम है तब भी नहीं बनता है क्योंकि H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो पोटासियम आयोडाइड से रिएक्शन कर जाता है और क्या बनेगा, यदि KI को H2SO4 से ले लेंगे तो ये बनता है आपका 2HI प्लस K2HSO4, ठीक है, डन, करेक्ट है। अब देखो अब यहां से बनने के बाद फिर भी आगे भी स्टेप देखो कैसे जाता है, जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करते हैं, देखो अब इस स्टेप में अगेन आपने एल्कोहल लिया है जो आपका HI है, फिर से H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हम एक ही स्टेप में सारे प्रोसेस होते हैं, समझाने के लिए लिख रहा हूं कि ऐसा होता है, फर्स्ट स्टेप में HI प्लस ये बना ऐसा नहीं, उसी स्टेप में सब कुछ हो जाता है।
तो अब जब लेंगे H2SO4 को तो ये बन जाता है I2 प्लस K, अब देखो 2 HI है तो क्या बनेगा, ये अल्केन बन जाएगा प्लस SO2 बन जाता है प्लस वाटर बन जाता है। देखो बनना था कुछ और, बन गया कुछ और, तो क्या करेंगे इसकी सब्स्टिट्यूट, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं। यदि आणविक कक्षा में तुमने पोटेशियम आयोडाइड लिया हो तो H3PO4 ले लो, H3PO4 क्या है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये अल्काइल आयोडाइड प्लस अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा, ठीक है, प्लस बाय प्रोडक्ट जो भी है वो सारा बाय प्रोडक्ट बनेगा, बट आपका अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा ब्रोमीन का, क्लोरीन का और आयोडीन का, ठीक है, कैसे बनता है। तो आप इससे एक बात समझ लो, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना लुकस रिएजेंट में, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का। मैं कहीं लिख देता हूं, यहां पे छोटा सा लिख देता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन लुकस में, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है, किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो ये होता है लुकस का पूरा फेनोमेना, पूरा घटना। अब तुम्हें समझ में आ गया है तो जल्दी से लाइक करो मेरे भाई और सब्सक्राइब करो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हमारे पास नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन में चलेंगे जो कि अलग होगा थायराइड क्लोराइड के साथ, उसके मैकेनिज्म समझेंगे पूरी डिटेल में।